नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्कियोलॉजी इंडिया चैनल पर। अगर आप भी मेटल डिटेक्टिंग की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं और मेटल डिटेक्टर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम तीन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो मेटल डिटेक्टर खरीदने से पहले जानने जरूरी हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तो पहले पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है रीज़न, आप मेटल डिटेक्टर क्यों खरीदना चाहते हैं। आपके मेटल डिटेक्टर खरीदने के पीछे दोस्तों दो वजह हो सकती है। पहली है हॉबी या शौकिया तौर पर आप मेटल डिटेक्टर खरीदना चाहते हैं, और दूसरी है मेटल डिटेक्टर से खजाना निकालेंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी मेटल डिटेक्टर खरीदने की वजह पहली है, यानी हॉबी के तौर पर आप मेटल डिटेक्टर खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल खरीदिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी वजह दूसरी है, यानी मेटल डिटेक्टर से खजाना निकालकर आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप मेटल डिटेक्टर बिल्कुल भी ना खरीदें। दोस्तों, मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं मेटल डिटेक्टिंग करते हुए, लेकिन आज तक कोई भी खजाना मुझे नहीं मिला है और ना मैंने कभी ये सोचकर मेटल डिटेक्टिंग की है। हालांकि छोटी मोटी सफलताएं मुझे ज़रूर मिली हैं, कीमती सामान और ऐतिहासिक सामान मुझे मिलता रहता है, लेकिन उसके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये मुझे ही पता है। और मेटल डिटेक्टर से दोस्तों खजाना ज़रूर मिल सकता है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अगर इस माइंडसेट के साथ ही हम डिटेक्टर खरीदेंगे तो बहुत ही जल्द हम हताश और निराश हो जाएंगे, ज़्यादा देर तक इस लाइन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हम सोच कर जाएंगे कि हमें जाते ही खजाना मिल जाएगा और हमें मिलेंगे बोतलों के ढक्कन, सिल्वर फॉइल, गुटखा पाउच के पैकेट, लोहे की कीले, नट बोल्ट। तो दोस्तों, हम पहले दिन ही निराश हो जाएंगे, हमारा पैसा बर्बाद जाएगा दोस्तों। तो अपना माइंडसेट चेंज करके इस लाइन में आएगा, शौकिया तौर पर इस चीज़ को लें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बजट। अगर आपके पास 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, तब ही आप इस लाइन में आइएगा, मेटल डिटेक्टर तब ही खरीदने के बारे में सोचें। कर्जा लेकर या उधार लेकर मेटल डिटेक्टर बिल्कुल भी ना खरीदें दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक शौक है और शौक कभी कर्जा लेकर पूरे नहीं किए जाते। ये कोई बिजनेस नहीं है जो हम कर्जा लेकर इस पर पैसा लगाएं। तो इस बात का खास, बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि कर्जा लेकर मेटल डिटेक्टर बिल्कुल भी ना खरीदें। अब बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट है कौन सा डिटेक्टर खरीदें। यह सवाल हर बिगिनर के मन में सबसे ज़्यादा होता है कि कौन सा डिटेक्टर खरीदें, कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप महंगा डिटेक्टर बिल्कुल भी ना खरीदें। शुरुआत हमेशा एंट्री लेवल डिटेक्टर से ही करें। मैं आपको 3 बेहतरीन एंट्री लेवल डिटेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल डिटेक्टरिस्ट हैं वो भी यूज़ करते हैं, और ये आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। पहला है गो फाइंड 66, दूसरा है क्वेस्ट X5 और तीसरा है बाउंटी हंटर गोल्ड डिगर। दोस्तों, ये तीनों में से कोई सा भी डिटेक्टर आप आग बंद कर खरीद सकते हैं, अच्छी डेप्थ है और बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनकी। अगर आप ये तीनों में से कोई सा भी डिटेक्टर खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उचित दामों पर ये डिटेक्टर दिलवा दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।